Shut up and sit down. हेलो व्यूअर्स, दिस इज राजा एंड यू आर वाचिंग जी सर्च। तो आज का जो ब्लॉग मैं बनाने वाला हूँ, आज मैं चला आया वादी नमर। अब देख सकता है वादी नमर। वादी नमर एक बहुत बड़ा डैम है सऊदी अरब के अंदर, ये रियाद में है। ये इतना बड़ा डैम है, इधर आर्टिफिशियल वाटरफॉल बनाया गया है, ठीक है। अब सबको पता होगा ये जो सऊदी अरब है, ये जो रियाद है, ये पूरा डेजर्ट में भरा हुआ है। बट ये जो प्लेस है वादी नमर, ये वादी नमर इतना बड़ा डैम ये बनाया गया है। आप लोगों को मैं आज एक्सप्लोर करूंगा वादी नमर और दिखाऊंगा ये जगह कैसा है, क्या है। तो जो व्यूअर्स मेरे को फिलहाल देख रहा है, आप लोगों को पता नहीं है शायद वादी नमर क्या है। आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, ये एकदम रियाद का सेंट्रल में है और 20 किलोमीटर के अंदर ही है। और इतना बड़ा एरिया एक डेकोरेट करके ये लोग बनाया गया है। 24 आवर्स के लिए ये ओपन है और इसका अंदर आने के लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। तो आपके पास अगर फैमिली है, आपके पास अगर बच्चा है, आप लोग इजीली आ सकता है इधर और आके एकदम पूरा डे आउट कर सकता है एक दिन के लिए पूरा। क्योंकि ये जो जगह है एकदम पिकनिक के लिए बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत खास जगह है, ठीक है। तो आप लोग आइए और देखिए वादी नमर क्या है, कैसा है। चलिए, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग जी सर्च। तो व्यूअर्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये पूरा वीडियो आप लोग देखिए और आपको अच्छा लगेगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। ये पूरा वीडियो देखने का बाद आपको पता चलेगा ये पार्क कितना बजे खुला रहता है। ये पार्क का जो जो रिस्ट्रिक्शन है, फायर, फिशिंग, शीशा के बारे में जो सारा रिस्ट्रिक्शन है, ये मैं वीडियो का लास्ट में बताया। तो चलिए, हम लोग तो अभी निकल चुका हूँ, रोड पर हूँ। तो अभी आप लोग रियाद सिटी का मज़ा लीजिए और तुरंत ही हम लोग पहुँच जाऊँगा वादी नमर वाटरफॉल पे। तो वादी नमर एक ही वाटरफॉल इधर रियाद में अवेलेबल है। आप लोग वादी नमर का मज़ा लीजिए घर बैठकर। और वीडियो कैसे लगा ये ज़रूर बता देना और कमेंट ज़रूर कर देना भाई। और सब्सक्राइब का बटन, मैं तो कितना बार बोला सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और नया नया वीडियो आने वाला है आपके लिए। तो चलिए, मैं अभी चलता हूँ और वादी नमर का सफ़र आपके साथ मैं करता हूँ। तो चलिए देखिए वीडियो मेरा।
हम लोगों को बात हुआ था दो बांग्लादेशी भाई से, जो बांग्लादेशी भाई लोग इधर इस प्रोजेक्ट पे काम करता है। तो हम लोग आने का टाइम ये लोग से मिला हूँ इधर ही, तो ये लोग का मिलने का बाद ये लोग बहुत अच्छा से हम लोग को बिहेव किया है और थोड़ा सा गाइड भी कर दिया है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी नया बंदा अगर इधर जाओगे, हमेशा याद रखना इधर बहुत सारा बद्दू घूमते रहता है, बद्दू गाड़ी लेके घूमते रहता है, कभी भी आपके पास से मोबाइल और पैसा छीन सकता है। तो ये जो कॉन्फिडेंशियल मैसेज था ये भाई लोग ने हम लोगों को थोड़ा गाइड कर दिया। चलिए इनसे मिलिए, ये मेरा टूर पार्टनर जेरिक, ये बहुत दिन से मेरे पास ही काम करता है। तो ये जो है ये फिलीपींस से है, ये मेरा टूर पार्टनर, ये हमेशा मेरा पास ही रहता है और हम लोग का हर एक टूर में जेरिक एंजॉय करता है। तो चलिए और नया कुछ दिखाता हूँ इस पार्क के बारे में। ये पार्क कितना बड़ा है, इतना बड़ा है हम बोलने के लिए कुछ वर्ड मेरे पास नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास 5-6 घंटा है ये पार्क आप ख़त्म नहीं कर सकोगे, इतना बड़ा पार्क है। तो चलिए पार्क का मज़ा लीजिए। अगर ट्रेकिंग का शौक़ रखते हो तो ज़रूर वादीनामा आ जाना और ट्रेकिंग का मज़ा उठा लेना। क्योंकि ट्रेकिंग करने के लिए इधर बहुत सारा ऑप्शन है। ऑप्शन बोले तो क्या है, आपको ऊपर वादीनामा का जो पार्क है बहुत बड़ा है, ऊपर से नीचे आने का टाइम आपको लगेगा आप बहुत सारा ट्रैकिंग कर रहा है। क्योंकि ये जो हाइट्स है बहुत बहुत ऊंचा है, तो ऊंचा से हम लोग जब नीचे आया तो हम लोगों को एकदम फीलिंग्स हुआ कि हम लोग अभी ट्रैकिंग कर रहा हूँ। क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर प्रॉब्लम होगा तो हम लोग नीचे गिर सकता था, बहुत नीचे खाई है इधर। तो एक्चुअली हम लोग भटक गया था, दूसरा एंट्रेंस जो है एंट्रेंस हम लोग मतलब भटकने का बाद हम लोग इधर उधर घूम रहा था, उसके बाद हम लोग सोचा चलो हम लोग एक ट्रैकिंग का मज़ा लेता हूँ और हम लोग ट्रैकिंग करके नीचे आया। तो देखिए मेरा जो ट्रैकिंग का वीडियो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नाउ वी एंजॉय आवर डे। What's the name of this? Wadinamar. Now we are here in Wadinamar. I think it's a good idea that Raj talked about this, so that now we are here. You enjoy this place today? Yeah, it's the view is too much good, my friend. Okay. Hello. तो आज restriction के लिए मैं कुछ बता देता हूँ। देखिए इधर एक board है, दिखा रहा है ये बहुत ऊँचा है, तो अगर आपके पास बच्चा है तो उसको टेक केयर करके रखिए क्योंकि नीचे गिर सकता है। तो उसको एकदम कोशिश कीजिए बाहर नहीं जाने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर
आपसे दूर है, तो आप थोड़ा सा उसको कोशिश कीजिए आपका एकदम नज़दीक रखने के लिए, क्योंकि इतना खाई है वो अगर गिरेगा तो बस प्रॉब्लम हो सकता है। और एक बात है जो फायर रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन है वो मैं अभी दिखाऊंगा। देखिए इधर देखा रहा है नो फायर, इधर आपके पास जो फायर, आप अगर मान लीजिए खाना बनाएगा तो कुछ ऐसा करोगे तो आपका फायर बना यूज़ कर सकता है, उसके लिए फायर पिट इधर दिया गया है, बारबेक्यू का सेटअप दिया गया है, आप लोग उधर ही इस्तेमाल कर सकता है। देखिए मैं अभी दिखाऊंगा मेरा वीडियो पे, तो आपको पता चलेगा कहाँ पे आप लोग आपका खाना बना सकता है पिकनिक करने का टाइम, और कहाँ पे आप लोग बारबेक्यू बना सकता है। ये सब पार्क के अंदर ही अवेलेबल है, आप लोग जाने के बाद आपको मिल जाएगा, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, पार्क में अंदर ही ये लोग सेटअप करके रखा है, ठीक है। तो मेरा वीडियो देखते रहिए, आपको पूरा पता चल जाएगा, मैं पूरा वीडियो दिखाने का कोशिश करूँगा। ये है फायर पिट है, इधर आप खाना बना सकता है, बहुत सारा है ऐसा, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर देखिए बारबेक्यू का एक सेटअप है, और जो शीशा और स्मोक के लिए हर एक जगह में ये अलाउ नहीं है, तो स्मोक करने का पहले आप थोड़ा सा चेक करके स्मोक कीजिए। और एक जो है इधर स्विमिंग अलाउ नहीं है, स्विमिंग और फिशिंग अलाउ नहीं है, पीछे मेरा बोर्ड देख सकता है, इधर स्विमिंग और फिशिंग अलाउ नहीं है, ठीक है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो गार्बेज आप लोग इस्तेमाल कीजिए, इधर बहुत सारा डस्टबिन दिया गया है, डस्टबिन को इस्तेमाल कीजिए और संग रहिए। दूसरा कुछ मैं दिखाता हूँ अभी। आज का वादी नंबर का सफ़र कैसे लगा व्यूअर्स, ज़रूर कमेंट पे बताना, और जी सर्च को सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी सर्च, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।